दोस्तों, काला ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित ताजमहल पूरी दुनिया में मशहूर है। विदेशों से आए पर्यटक तक ताजमहल को देखे बिना वापस नहीं जाते। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस खूबसूरत इमारत के एक ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग दीवाने हैं। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी काले ताजमहल के बारे में सुना है? जी हाँ, दुनिया में सफ़ेद ताजमहल के साथ साथ एक और ताजमहल भी है जिसका रंग काला है। शाहजहां ने अपनी वसीयत में भी इस ताजमहल का जिक्र कर रखा है। आज हम आपको उसी काले ताजमहल के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ कल्पना में ही बनकर रह गया। इससे पहले बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन भंडार, जहां आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी लगातार। अब मैं आपको बता दूं कि किसकी वजह से नहीं बन पाया यह काला ताजमहल। आपको बता दें कि खुद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इस काले ताजमहल को बनवाने से रोक दिया था। शाहजहां की वसीयत के मुताबिक काले संगमरमर पत्थरों का एक काल्पनिक मकबरा जिसे काले ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे यूपी की यमुना नदी के किनारे दूसरी तरफ मौजूदा ताजमहल के ठीक पीछे बनवाया जाना था और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज से भी कहा था कि वे उनके पास ही अपना मकबरा बनवाएंगे। क्या आपको पता है इसमें औरंगजेब ने दिखाई थी चालाकी? पूरी दुनिया जानती है कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था और उसकी क्रूरता अपने पिता पर भी चली। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। 22 जनवरी 1666 को शाहजहां दुनिया को अलविदा कह गए। अब इस बात पर विचार होने लगा कि उनके सबको कहां दफनाया जाए। मम्मी पुस्तक के मुताबिक शाहजहां ने वसीयत में लिखा था कि उसे ताजमहल के ठीक पीछे मेहताब बाग में दफनाया जाए। इसके अनुसार औरंगजेब को ताजमहल के पीछे एक और बड़ी इमारत बनवानी पड़ती। इसमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना था कि ये काले ताजमहल किसी भी रूप में सफ़ेद ताजमहल से कम ना रहे। औरंगजेब के लिए यह बहुत मुश्किल काम था और वह अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता था। खाली हो गया था खजाना। औरंगजेब ने इस दौरान कई जंगें लड़ी थी जिसकी वजह से शाही खजाना खाली हो गया था और वसीयत की शर्तों से बचने के लिए उसने मकबरा नहीं बनवाया, ना ही उसके पास इसके लिए खजाना था। औरंगजेब ने इस्लामिक कायदों का हवाला देते हुए शाहिद उलेमाओं से राय ली कि अगर वालिद कोई ऐसी वसीयत करे तो इस्लाम की रोशनी में सही ना हो तो क्या उसे मानना चाहिए। तब उलेमाओं ने वसीयत की बातों गलत बताया और औरंगजेब ने अपना तर्क दिया कि उसके वालिद को उसकी माँ यानी कि मुमताज महल से कमाल दर्जों की मोहब्बत थी, इसलिए उन्हें उनके पास ही दफना देना चाहिए। इस तरह औरंगजेब की चालाकी की वजह से काला ताजमहल नहीं बन पाया। अगर बन जाता तो शायद सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की सुंदरता और भी बढ़ जाती और ये दुनिया में मशहूर हो जाता। तो कैसा लगा ये आपको जानकर कि काला ताजमहल क्यों नहीं बन पाया? अगर आपको इससे पहले ये बात पता थी कि काला ताजमहल क्यों नहीं बन पाया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता थी तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।